हाँ बच्चों, तो रेसिडुअल टॉपिक चल रहा था, स्पेशल क्वेश्चन कर रहे थे, उसमें से क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। याद करो, मैंने आपको इकोनॉमिक एक्सपोजर और ट्रांजेक्शन एक्सपोजर समझाया था। यहाँ लिख रहा हूँ, उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है जिसमें हमको सेग्रीगेशन करना। सेग्रीगेशन अलग अलग पूछा है क्वेश्चन में, सेग्रीगेशन ऑफ ट्रांजेक्शन एक्सपोजर एंड इकोनॉमिक एक्सपोजर। इकोनॉमिक ठीक है, इकोनॉमिक एक्सपोजर को ही ऑपरेटिंग एक्सपोजर बोलते हैं। सर याद दिला दो ज्यादा अच्छा। हाँ जी, करेंसी एक्सपोजर में किया हुआ है, फिर भी मैं आपको याद दिला देता हूं कि क्या है। थोड़ी सी बात करता हूं, फिर मैं वो क्वेश्चन उठा रहा हूं, ठीक है? कोई एग्जाम्पल नहीं करूंगा, सीधा क्वेश्चन उठाऊंगा। सवाल ये था कि ये एक पार्टी है यूएस में, ये एक पार्टी है इंडिया में, ये एक पर्सन है, ये एक पर्सन है, और हम लोगों ने, मान लो बेटे, इंपोर्ट इंपोर्ट नहीं, ज्यादा अच्छा एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट किया डॉलर 1 लाख का, एक्सपोर्ट किया, एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट हमारे पास आने वाला है डॉलर, मान लो डॉलर 1 लाख, ठीक है? 1 लाख डॉलर आने वाला है, और 1 लाख डॉलर आज आने वाला होता तो कोई दिक्कत की बात नहीं, आने वाला है मान लो 3 महीने बाद या 6 महीने बाद। तो अब हमको डर है कि नहीं है? है, क्योंकि आपने बाहर से ट्रांजेक्शन किया है और आपको डर है। और मान लो आज डॉलर का रेट 60 रुपए है, तो मुझे डर है कि फ्यूचर में जो डॉलर आएगा वो मेरा, भगवान ना करे, 60 का ना बिका, उससे कम का बिका। इट मीन्स कहीं डॉलर का रेट कम हो गया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा, कहीं 3 महीने या 6 महीने बाद डॉलर का रेट 58 हो गया, 58, तो बैठे बिठाए मुझे कितने का लॉस हो सकता है? 2 लाख रुपए का लॉस हो सकता है। इसको बोला जाता था ट्रांजेक्शन एक्सपोजर। मैंने जो ट्रांजेक्शन किया है और मुझे फॉरेन करेंसी रिसीवेबल होने वाली है फ्यूचर में, तो उस फॉरेन करेंसी का रेट कम ना हो जाए, ठीक है? फिर मैंने कहा इसको बचने का एक तरीका हो सकता था, और तरीका क्या हो सकता था कि भैया सामने वाले से बोलिए कि सर जी, आप हमें, हम आपको एक्सपोर्ट कर रहे हैं ना, आप हमें डॉलर में पेमेंट नहीं करोगे, हम जो बिलिंग करेंगे वो रुपीस में करेंगे, कि आप हमको 60 लाख रुपए दोगे, दैट्स इट। चाहे रेट कुछ भी क्यों ना हो जाए वो हमारा टेंशन नहीं है, हम जो इनवॉइसिंग कर रहे हैं वो किस में कर रहे हैं? रुपया में कर रहे हैं। तो ट्रांजेक्शन एक्सपोजर से बचने का एक तरीका था कि इनवॉइसिंग जो कर रहे हो, जो बिल बना रहे हो, वो अपनी ही करेंसी में बना लेते हैं, रुपया में, टेंशन खत्म। आज दोगे तो भी 60 लाख, 6 माह बाद दोगे तो भी 60 लाख, रुपया में पेमेंट आ रहा है, तो हमको क्या किसी बात का डर है? नहीं, हमारा टेंशन खत्म हो गया। अब डर किसको है? डर हमको नहीं है, डर उसको है। यहां तक हमारी बात। तो कौन सा एक्सपोजर खत्म हो गया था? ट्रांजेक्शन एक्सपोजर का कोई दिक्कत नहीं, अगर रुपया में पेमेंट आ रहा है तो। पर सवाल यह है, ट्रांजेक्शन एक्सपोजर खत्म हो गया, ओके, लेकिन तो भी कहीं ना कहीं हमको डर है। सर अब किस बात का डर? रुपया में ही तो पेमेंट आ रहा। बिल्कुल, ट्रांजेक्शन एक्सपोजर खत्म हो गया लेकिन करेंसी एक्सपोजर खत्म नहीं हुआ। सर समझाओ, समझा रहा हूं, सोच के बताओ, डर किसको है? डर इस पार्टी को है। क्यों? क्योंकि इस भाई साहब को पेमेंट जो करना वो तो रुपया में करना। जी हाँ, यूएस वाले को। तो सर उसका टेंशन हम क्यों ले? बेटे हम उसका टेंशन नहीं ले रहे, उसको तो टेंशन है। हाँ, मान लो आज डॉलर का रेट कितना है? 60 रुपया। तो भाई उसको तो रुपया खरीद के मुझे डिलीवर करना पड़ेगा। हाँ, तो सर वो रुपया खरीदेगा ना? हाँ बेटे। और मान लो बेटे आज डॉलर का रेट मान लो 60 रुपए है, तो उसको 60 लाख रुपए खरीदने के लिए आज कितने डॉलर खर्च करने पड़ेंगे? 1 लाख, 1 लाख डॉलर।
आज के हिसाब से उसका $1,00,000 खर्च हो जाएगा। ठीक है सर, उसका प्रॉब्लम। अच्छा, लेकिन पेमेंट तो उसको 6 महीने बाद करनी है। हो सकता है कि 6 महीने बाद डॉलर का रेट 50 रुपये हो जाए। हाँ, तो सर वो 6 महीने बाद फिर 50 रुपये के हिसाब से डॉलर खरीदेगा, रुपया खरीदेगा। तो देखते हैं कि उसके कितने रुपये खर्च हो गए। उसको तो 60 लाख रुपये ही पहुंचाना है। हाँ, लेकिन अब उसको 50 रुपये मिलेंगे पर $1 लगेगा। तो बताओ, 60 लाख डिवाइडेड बाय 50, 60 लाख डिवाइडेड बाय 50, तो अब उसका डॉलर कितना खर्च हो जाएगा? 1,20,000। बेटे, अब परेशान मैं नहीं, अब परेशान तो ये मिस्टर ए है। क्यों? क्योंकि रेट के चेंज होने से जो 60 लाख रुपए खरीदता वो आज, और उसको $1,00,000 खर्च करने पड़ते थे, अब उसको $1,20,000 खर्च करने पड़ेंगे। यहां तक बात समझ में आई? हाँ, बताओ डर है कि नहीं? सर डर है, बिल्कुल रिस्क है, पर रिस्क हमको नहीं है। रिस्क किसको है? इस पर्सन को है। तो इसको टेंशन है ना, हम अपनी बात करो, हमें कोई टेंशन थोड़ी नहीं। हमें तो 60 लाख रुपए ऐसे भी मिलना, वैसे भी मिलना। बेटे, अभी भी एक दिक्कत है, सुनो। आज डॉलर भाई साहब $1,00,000 खर्च कर रहा है, ठीक है। फ्यूचर में कितना डॉलर खर्च होगा? वो हमसे इंपोर्ट करेगा तो 1,20,000। वो कहेगा, छोड़ो जी यार, इंडिया में तो बड़ा महंगा पड़ रहा है, हालांकि मुझे 60 लाख ही मिल रहा है। पर इस मिस्टर ए को पहले कितने डॉलर खर्च करने पड़ते थे? $1,00,000 गुड्स बुलवाने का। अब कितना खर्च करना पड़ेगा? $1,20,000। तो वो कहेगा, छोड़ो जी, इंडिया से इंपोर्ट ही नहीं करते। अगर इंडिया से इंपोर्ट कर रहे हैं तो प्रॉब्लम है कि यार बहुत ज़्यादा लग रहा भाई, $1,00,000 की जगह $1,20,000 लग रहा। चलो चाइना से इंपोर्ट कर लेते, ज़्यादा अच्छा। तो कहीं ना कहीं सुनना ध्यान से, क्या मेरे सेल्स पे फर्क पड़ेगा? हाँ, क्यों? क्योंकि मेरा रेट, मैंने बढ़ाया नहीं मेरे गुड्स का रेट, ये तो ऑटोमेटिक बढ़ गया, 1,00,000 से 1,20,000 हो गए। हाँ, और रेट के बढ़ने से डिमांड पे फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। सोचो, कोई चीज महंगी होगी, अगर आप उसको महंगा कर देते हो, आप नहीं कर रहे, वो ऑटोमेटिक हो जा रहा, तो उसकी वजह से आपके प्रोडक्ट का कहीं ना कहीं डिमांड में फर्क पड़ेगा। इसके लिए आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सर सपोज बढ़ गया रेट, कितने परसेंट से बढ़ गया? 20% से, और प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है 1.5। इसका मतलब क्या? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ा हुआ है आपने। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या बोलता है? अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम हो जाएगा, अगर प्राइस कम होगा, सस्ता कर देंगे हम, तो ऑटोमेटिक डिमांड क्या होगा? बढ़ जाएगा। मतलब नेगेटिव होता है, अपोजिट। मान लो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है 1.5, और मेरा प्रोडक्ट का कॉस्ट बढ़ गया, कितने परसेंट से बढ़ गया? 20% से। अगर ये 20% से बढ़ेगा तो डिमांड 1.5, 20 × 1.5 कितना होता? 30%। मेरे प्रोडक्ट का डिमांड, अगर प्राइस बढ़ेगा 20% से, तो प्रोडक्ट का डिमांड कम हो जाएगा 30% से, ठीक है। तो सोचो, अगर मैं इनवॉइसिंग कर देता हूँ रुपीज में, बिलिंग रुपीज में कर देता हूँ, तो क्या ट्रांजेक्शन एक्सपोजर खत्म हो गया? हाँ, पर क्या इकोनॉमिक एक्सपोजर है? यस, इसको बोला जाता है इकोनॉमिक एक्सपोजर या ऑपरेटिंग एक्सपोजर, ठीक है। तो अब यार क्वेश्चन में क्या आएगा? सर क्वेश्चन में ना आपको पूछा जाएगा, पूरी ट्रांजेक्शन दे देगा, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वगैरह दे देगा, बोलेगा कि बताइए इसमें कितना ट्रांजेक्शन एक्सपोजर है, कितना इकोनॉमिक एक्सपोजर है। वो हम कर लेंगे कैलकुलेट। अब दो तरीके पढ़ाने के, या तो मैं एग्जाम्पल करवाऊँ और फिर क्वेश्चन करूँ, क्योंकि एक ही क्वेश्चन दिया तो उसी को थोड़ा डिटेल में समझा देता हूँ, बात खत्म हो जाएगी, ठीक है। अभी मैंने बस समझाया, ट्रांजेक्शन एक्सपोजर कब अराइज होता है? जब फॉरेन करेंसी, जो इंपोर्ट ट्रांजेक्शन तो किया है, ओके, पर ट्रांजेक्शन में फॉरेन करेंसी पेबल होगी तब ट्रांजेक्शन एक्सपोजर। अगर मैं पे कर रहा हूँ, मुझे पे करना, तो किस बात का डर? कहीं उस करेंसी का रेट बढ़ ना जाए। अगर मुझे बाहर की करेंसी रिसीव होने वाली फ्यूचर में, किस बात का डर? कहीं उस फॉरेन करेंसी का रेट कम ना हो जाए। दिस इज ट्रांजेक्शन। फॉरेन करेंसी पेएबल और रिसीवेबल होना जरूरी है।
सर अगर रुपया में रिसीव हो रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, ट्रांजेक्शन एक्सपोजर खत्म हो गया, पर कहीं ना कहीं ये वाला एक्सपोजर है इनडायरेक्ट एक्सपोजर, इकोनॉमिक एक्सपोजर या ऑपरेटिंग एक्सपोजर। मेरे ख्याल से डिटेल में आपको मैं थ्योरी लिखा चुका हूँ इसको और समझा भी चुका हूँ उस समय, ये तो बहुत दिन हो गए इसलिए मैं आपको रिविजन करवा रहा हूँ कि ऐसा होता था। तो क्यों ना क्वेश्चन ही उठा ले, मैं कोई एग्जाम्पल नहीं करवा रहा हूँ, मैं क्वेश्चन ही उठा रहा हूँ। बेहतरीन क्वेश्चन है, प्रैक्टिस मैनुअल का क्वेश्चन है और अच्छे से करना, टाइम लग जाए तो लग जाए, एक ही क्वेश्चन है पूरे कॉन्सेप्ट समझे। और वो क्वेश्चन है हमारी बुक में क्वेश्चन नंबर 79 पेज नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 79 पेज नंबर 23। मैं फिर से बोल रहा हूं जल्दबाजी मत करना क्वेश्चन में, धीरे धीरे काम करना, एक ही बार करो, अच्छे से कर लो, बात खत्म हो जाएगा। लिखा है मैसर्स ओमेगा एंटरप्राइज इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, अच्छा ओमेगा इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एक्सपोर्ट एयर कंडीशनर एसी एक्सपोर्ट करता है टू जर्मनी। अच्छा ये डायग्राम बना लेते हैं, चिंता नहीं होगी, फटाफट से काम हो जाएगा। कहाँ के हो भाई आप, रुपया बीच में है, इंडिया ही मान के चलो, इंडिया की इंफॉर्मेशन है रुपया, तो ये हो गया इंडिया ओमेगा लिमिटेड इंडिया, और इंडिया का ये एक पर्सन मैसर्स ओमेगा, और कहाँ कर ले जर्मनी, जर्मनी ये है जर्मनी, ठीक है ये जर्मनी का कोई पर्सन होगा। तो क्या हो रहा है सर देख लेते हैं। हाँ मैसर्स ओमेगा इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड एक्सपोर्ट, ये एक्सपोर्ट करता है जर्मनी वाले को एक्सपोर्ट, अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो आपको रिसीव होगा पक्का, ठीक है सर। द कंपनी इज एक्सपोर्टिंग 2400 यूनिट्स, एक्सपोर्ट कर रहे हो 2400 यूनिट्स एट ए प्राइस ऑफ, एट भाई जर्मनी में कौन सी करेंसी चलती है यूरो, तो एट यूरो एक यूनिट 500 यूरो 500 पर यूनिट, यहां तक ठीक है, ठीक है कोई दिक्कत की बात नहीं। इट मींस हमको मिलने वाला होगा यस 2400 यूनिट्स एक्सपोर्ट कर रहे हो 500 यूरो का, तो बताओ कितना मिलने वाला है, एक बार कैलकुलेट करके देख लो, 2400 × 500 तो हमको मिलने वाला है यूरो 12 लाख, 12 लाख यूरो मिलने वाला है। सवाल ये कब मिलने वाला, ऐसा कुछ दिया नहीं है, आगे देखते हैं। द कॉस्ट ऑफ इम्पोर्टेड कंपोनेंट इज $800 पर यूनिट, ये कहाँ से आ गए सर, जरूरी थोड़ी ना हम ना बेटे, अब सुनोगे ऐसा है कि जर्मनी वाले को एक्सपोर्ट कर रहे, तो जो मटेरियल है ना मटेरियल वो आप यूएस वाले से बुलवा रहे हो, ये लो यूएस पिक्चर में, और यहां से हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं इंपोर्ट, ठीक है, और इंपोर्ट कितना यूनिट्स कर रहे हैं, मैं 1:1 का रेशो मान लूंगा, मान लो 2400 यूनिट्स ही इंपोर्ट कर रहे हैं, कितने में एट सिंगापुर डॉलर, तो यूएस नहीं है सिंगापुर, सिंगापुर सिंगापुर एट सिंगापुर डॉलर 800, तो भाई इंपोर्ट किया तो आपको देना पड़ेगा, हाँ भाई देना पड़ेगा, कितना डॉलर सिंगापुर डॉलर देना पड़ेगा चेक कर लेते हैं, 2400 × 800 तो हमको देना है सिंगापुर डॉलर 19,20,000 ये देना है, ठीक है यहां तक समझ में आ रहा। इसका मतलब है कि हम लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इधर से इंपोर्ट करते हैं और इधर जर्मनी में एक्सपोर्ट कर देते हैं, क्या आपको अब देखना पेमेंट कब हो रहा है। अच्छा सर तो इंपोर्ट करके सीधा एक्सपोर्ट करते कि कुछ मैन्युफैक्चरिंग वाला भी काम करते हैं, मतलब इंपोर्ट किया मटेरियल कुछ बनाने बनाते हो क्या, तो देखो लिखा हुआ है यस
फिक्स कॉस्ट एंड अदर वेरिएबल कॉस्ट। अच्छा तो वो तो इंडिया में लगेगा बेटे, हमको लगता है फिक्स कॉस्ट। कितना लग रहा फिक्स कॉस्ट? ₹1000 पर यूनिट। और क्या लग रहा है? वेरिएबल कॉस्ट, अदर वेरिएबल कॉस्ट लिखा, मतलब मटेरियल इंक्लूड नहीं है, अदर वेरिएबल कॉस्ट कितना रुपए? 1500 पर यूनिट, ये लग रहा है एक यूनिट पे इतना खर्चा आता है। तो अभी तक की सारी प्रोसेस क्या है? सारी प्रोसेस ये है कि हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हम सिंगापुर से इंपोर्ट करते हैं 2400 यूनिट, उस पर फिर मटेरियल आ गया, उस पर कुछ खर्चे भी आते, वो सब जोड़ देते और उसको एक्सपोर्ट करते हैं कितने के हिसाब से? 500 रुपए के हिसाब से। यहां तक ठीक है। तो कैश फ्लो इन फॉरेन करेंसी ड्यू इन 6 मंथ। अच्छा, इट मीन्स कि जो भी ड्यू है, ये जो पेमेंट आने वाला है वो 6 महीने में आएगा, और ये जो पेमेंट जाने वाला है वो भी 6 महीने में जाएगा। अब सुनो ध्यान से, क्या आपको किसी बात का डर है? हाँ, क्यों? काश पेमेंट अभी आ जाता या पेमेंट में अभी दे देता, लेकिन डर है। अब सोचो किस बात का डर है? हमको जो सिंगापुर डॉलर देना है, देना है, हे भगवान कहीं वो डॉलर का रेट बढ़ ना जाए क्योंकि हमको महंगे में खरीदना पड़ेगा, एक ये डर। और दूसरा डर, हमको जो आने वाला है यूरो फ्यूचर में, कहीं वो यूरो का रेट कम ना हो जाए। दो दो रिस्क दिख रही है, ट्रांजेक्शन एक्सपोजर दिख रहा है, आपको दिखना चाहिए। ट्रांजेक्शन करने की वजह से अब दो टाइप का रिस्क दिख रहा है आपको, एक तो सिंगापुर डॉलर जो देना है उसके बढ़ने का डर, कहीं रेट बढ़ ना जाए, और जो यूरो आने वाला है कहीं उसका रेट कम ना हो जाए। दो चीजें दिख रही है आपको, ठीक है। एंड करंट एक्सचेंज रेट दे रखा है, तो क्या उसको मैं लिख लूं? यस, करंट एक्सचेंज रेट मतलब स्पॉट रेट बोलूं चलेगा? हाँ, रुपीस पर यूरो, रुपीस पर यूरो, यूरो का रेट दिया हुआ ऑलरेडी, ये दिया 51.50 और 51.55, और रुपीस पर सिंगापुर डॉलर, ये भी डायरेक्ट डायरेक्ट रेट दिया हुआ इस बार, तो 27.20 और 27.25, ठीक है। आफ्टर 6 मंथ एक्सचेंज रेट, बोले 6 महीने बाद रेट क्या हो सकता है ये? चलो अच्छा, 6 मंथ वाला भी दे रखा, 6 महीने बाद रुपीस पर यूरो 52 और 52.05 और रुपीस पर सिंगापुर डॉलर 27.70 और 27.75, ठीक है। ये सारा क्वेश्चन है। पॉइंट नंबर वन बोला, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द लॉस आर गेन ड्यू टू ट्रांजेक्शन एक्सपोजर। लॉस या गेन बताना, लॉस या गेन यू निकलेगा, बस थोड़ा सा सोचो। पहले ये सोचो क्या जाने वाला है, डॉलर, डॉलर जाने वाला। तो अगर मैं आज डॉलर खरीदता तो बैंक महंगे में बेचता 27.25, लेकिन अगर मुझे आज थोड़ी खरीदना, मुझे तो 6 महीने बाद खरीदना। दिख रहा है आपको, जो डॉलर आज मैं 27.25 का खरीदता वो मुझे 6 महीने बाद, यार महंगा हो गया, ओहो महंगा हो गया, मतलब मेरा लॉस। कितने का लॉस है? एक तो ये वाला, ये महंगा हो गया, मैं वही सोच रहा था काश ये महंगा ना हो, पर ये डॉलर तो महंगा हो गया। एक तो ये डर दिख रहा है, दूसरा जो यूरो आने वाला है वो आता तो मैं कन्वर्ट कितने के हिसाब से करवा लेता? 51.50। अब कितने के हिसाब से? थैंक गॉड, मजा आ गया, इसमें मेरा थोड़ा सा टेंशन खत्म हो गया, क्योंकि यूरो का रेट बढ़ गया। जो मैं 51.5 के हिसाब से बेचता आज, 6 महीने बाद तो मैं 52 के हिसाब से बेचूंगा, मैं बहुत खुश हूं। किसके लिए खुश हूं? इसके लिए तो खुश हूं, पर इसके लिए दुखी हूं, दुखी, क्योंकि मुझे ज्यादा देना पड़ेगा। वो नेट निकालना है कि मुझे
एक्स्ट्रा कितना जा रहा है, दिस इज ट्रांजेक्शन एक्सपोजर। अगर देखा जाए तो एक लाइन में हो जाएगा, आपके प्रैक्टिस मैनुअल ने जैसे कर रखा है, हमारे प्रैक्टिस मैनुअल ने वैसे भी करवा दे, दोनों ही तरीके से मैं आपको करवा देता हूँ, प्रैक्टिस मैनुअल के हिसाब से भी और एक्चुअल कॉन्सेप्चुअल भी, ठीक है। तो पॉइंट नंबर वन कर रहे हो कैलकुलेशन ऑफ, लिखोगे कैलकुलेशन ऑफ लॉस आर गेन ड्यू टू ट्रांजेक्शन एक्सपोजर, ठीक है सर। पहले कॉन्सेप्चुअल, यस, तो पहला अल्टरनेटिव सिंपल, बिल्कुल सिंपल, पीएम के हिसाब से नहीं, हम अपने हिसाब से करेंगे, और सर ये अलाउ है बिल्कुल 100% बेटे, कोई काट नहीं सकता। अल्टरनेटिव वन, बताओ बेटे जो आपको रिसीव होने वाला है 12 लाख, आज कन्वर्ट कराते तो सर यूरो आता तो हम यूरो बेचते, और यूरो बेचते तो कितने के हिसाब से, बैंक यूरो खरीदा 51 और अब कितने के हिसाब से 50, तो यहां तो प्रॉफिट हो गया, यस, तो लिखेंगे प्रॉफिट या गेन ऑन यूरो रिसीवेबल। यूरो कितना रिसीव होने वाला है 12 लाख, कितने का गेन है 50 पैसे, 51.50, अच्छा हो कितना गया 52 हो गया, 52 माइनस 51.50 इंटू यूरो 12 लाख, तो एक यूरो पे इतना का फायदा हो जाता, तो 12 लाख यूरो पे कितने का फायदा हो जाता, 12 लाख इंटू 0.5, तो बेटे हमको यहां प्रॉफिट होता कितने का, ₹6 लाख का प्रॉफिट हो जाता। पर जो देना है वो हमको खरीदना पड़ता 27.25 के हिसाब से, आज खरीद लेते पर 6 महीने बाद तो रेट चेंज हो गया, तो यहां तो हमको महंगा पड़ा कितना 50 पैसे, तो यहां क्या हो गया लॉस, लॉस ऑन सिंगापुर डॉलर पेबल, कितने का लॉस है देख लेते हैं, 27.75 माइनस 27.25 इंटू सिंगापुर डॉलर कितना 19,20,000, तो देख लेते 50 पैसे यहां भी दिख रहा है, यस 0.5 इंटू 19,20,000, तो यहां लॉस है ₹9,60,000 का, ठीक है, यहां प्रॉफिट है यहां लॉस है, तो नेट क्या आ गया सर, लॉस कैसे प्लस, बेटे प्लस में आया कि माइनस में आया वो इंपॉर्टेंट नहीं है, कॉन्सेप्ट आपको पता है, 9,60,000 माइनस 6 लाख, तो नेट लॉस दिख रहा है, लॉस ड्यू टू ट्रांजेक्शन एक्सपोजर, सिंपल कुछ नहीं करना भैया, 3,60,000 का लॉस हो रहा, खत्म बात। लेकिन प्रैक्टिस मैनुअल ने क्या किया है, अब मैं कर रहा हूं प्रैक्टिस मैनुअल, पहला ही पॉइंट कर रहा हूं बेटे प्रैक्टिस मैनुअल के हिसाब से, अल्टरनेटिव टू, ये भाई साहब पीएम में क्या किया गया, पीएम में ना बच्चों टाइप का है, हालांकि इतने एक्सपर्ट हो कि अब आपको समझ में आने लगेगा कि क्या है, पीएम में बच्चों टाइप का कर रखा, बच्चों टाइप का मतलब बोलता पहले एक काम करो प्रॉफिट निकालिए, सर पूरा प्रॉफिट, यस पूरा प्रॉफिट, इतना सेल्स हुआ इतना परचेस हुआ ये खर्चा निकला, प्रॉफिट निकालिए किसके हिसाब से, करंट एक्सचेंज रेट, और फिर क्या करना बोले फिर वापस प्रॉफिट निकालिए किसके हिसाब से, 6 माह बाद वाले एक्सचेंज रेट के हिसाब से, और फिर देखिए प्रॉफिट में कितना चेंज आया, बहुत मतलब कह नहीं सकता यार इतना कहां हमारे पास टाइम है, पर फिर भी क्योंकि यार कहीं ना कहीं यहां प्रैक्टिस मैनुअल देखोगे फिर कहोगे सर कहां से आया, तो चलो वो भी करवा देता हूं, आंसर 3,60,000 ही आएगा, तो पहले प्रॉफिट एट
करंट एक्सचेंज रेट। प्रॉफिट एट करंट एक्सचेंज रेट, तो देखो बताओ सेल्स कितने का हुआ? सर यूरो आएगा, हाँ जी कितना? 12 लाख। और हम अभी यूरो बेच देंगे कितने के हिसाब से? 51.50 के हिसाब से। तो 12 लाख इंटू 51.50, तो ये आ गया रुपीस 618 लाख, 6,18,00,000। सर ठीक है, माइनस। सर मटेरियल खरीद रहे हो? यस मटेरियल। कितने का मटेरियल सर? देना कितना है सिंगापुर डॉलर? कितना? 19,20,000। और सर मटेरियल खरीदेंगे तो आज हमको पेमेंट 27.25 देना पड़ेगा ना? जी सर। तो 27.25, तो ये गया आपका रुपीस 5,23,20,000। ठीक है यहाँ तक। सर इसके अलावा हमें वेरिएबल कॉस्ट भी तो है, अदर वेरिएबल कॉस्ट। हाँ जी सर, मटेरियल भी तो वेरिएबल है। नहीं बेटे, लिखा है अदर वेरिएबल कॉस्ट। बोलो कितना है? 1500 रुपये है सर, 1500 रुपये एक यूनिट का। कितना यूनिट्स है? 2400 यूनिट्स। तो 1500 × 2400, तो सर ये आ गए टोटल 36 लाख। यस 36 लाख। सर इसके अलावा और क्या है? फिक्स ओवरहेड भी है। फिक्स्ड कितना रुपए? 1000। और कितना यूनिट्स है? 2400 यूनिट्स। तो सर इसका भी ले लीजिए 24 लाख। यस। तो सर अब निकाल लीजिए प्रॉफिट, 618 लाख माइनस 523,20,000 माइनस 36 लाख माइनस 24 लाख। तो बेटे ये अब आ गया प्रॉफिट 34,80,000। ठीक है, ये क्या आया? प्रॉफिट। किसको बेसली? प्रॉफिट एट करंट एक्सचेंज रेट। अब फिर प्रॉफिट निकाला, प्रॉफिट एट 6 मंथ्स एक्सचेंज रेट। ठीक है, तो सबसे पहले वापस लिया उसने सेल्स, बोले 6 महीने बाद यूरो तो 12 लाख ही आता। जी सर, लेकिन सर 6 महीने बाद तो हम कन्वर्ट कराते 52 के हिसाब से। बिल्कुल सही, 52, तो 12 लाख × 52, तो सर कितना रुपए आता बेटे? सेल्स होता फिर 624 लाख। ठीक है सर, माइनस क्या करते? मटेरियल। सर मटेरियल में तो हमको सिंगापुर डॉलर 19,20,000 ही देना पड़ता है। यस, लेकिन उस समय हम खरीदते 27.75। तो सर ये आ जाता रुपीस 532,80,000। जी सर, बनाने के खर्चे में कोई फर्क नहीं पड़ता, अदर वेरिएबल कॉस्ट उतना ही रहता 36 लाख, और फिक्स कॉस्ट में तो वैसे भी कोई चेंज नहीं होता 24 लाख। तो बताओ कितना आता प्रॉफिट? 624 लाख माइनस 532,80,000 माइनस 36 लाख माइनस 24 लाख, तो फिर प्रॉफिट होता कितना? 31,20,000। बताइए इस प्रॉफिट में कम क्यों हुआ, वजह क्या है? वजह अदर वेरिएबल नहीं है। नहीं है सर, ये तो 36 लग रहा था 36 ही लगा, ये 24 लगना था 24 लग। तो वजह क्या है? वजह वही है, रेट के चेंज होने से मेरा प्रॉफिट हो गया। इसी को तो ट्रांजैक्शन एक्सपोजर बोलते हैं। मेरा प्रॉफिट कम हो गया, प्रॉफिट कम हो गया मतलब लॉस हो गया मुझको। कितने का लॉस हो गया? 34,80,000 माइनस 31,20,000, तो लॉस हो गया। लॉस ड्यू टू ट्रांजेक्शन एक्सपोजर, कितने रुपए का लॉस हो रहा है? 360,000 का लॉस हो गया। 360,000 होना चाहिए ये, 360,000। ठीक है,
अब एक बात बताओ, अजीब सी बात लगती कि सीए फाइनल लेवल पे आप ऐसे कर रहे हो, ऐसे मुझे नहीं लगता कि आप ऐसे करोगे। दिख तो रहा है ट्रांजेक्शन एक्सपोजर, हमको पता है करेंसी के चेंज होने से कितना इफेक्ट पड़ेगा दिस इज ट्रांजेक्शन एक्सपोजर, ऐसे करने की अपेक्षा ऐसे कीजिए, ठीक है। तो ये एक तरीका हुआ। पॉइंट नंबर वन, मेरी एडवाइस है कि आप सीधा सीधा काम करोगे, आप ऐसे ही सॉल्व करोगे, इस तरह से सॉल्व नहीं करोगे, ये मेरी एडवाइस है। पर फिर भी किसी को प्रैक्टिस मैनुअल याद करने की आदत होगी तो वो ऐसे कर लेना। तो पॉइंट नंबर वन में वैसे भी ऐसा कोई दिक्कत नहीं होनी थी, पॉइंट नंबर वन तो हमको वैसे भी समझ में आ जाता, जो समस्या है वह है पॉइंट नंबर टू में। अब चेक करते हैं पॉइंट नंबर टू में क्या लिखा लिखा है। बेस्ड ऑन द फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन, अच्छा अब बेस किसको लेना है, एडिशनल इंफॉर्मेशन। कैलकुलेट द लॉस आर गेन ड्यू टू ट्रांजेक्शन एक्सपोजर एंड ऑपरेटिंग एक्सपोजर। इस बार दोनों पूछा, बोले ट्रांजेक्शन एक्सपोजर भी बताइए और इकोनॉमिक एक्सपोजर भी बताइए, ऑपरेटिंग एक्सपोजर। इफ द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस ऑफ एयर कंडीशनर इज ₹25,000, ये लो। अब जो इनवॉइसिंग हो रही है जर्मनी वाले के साथ, हमने कहा जर्मनी वाले भाई प्लीज आप हमें यूरो वूरो में पेमेंट नहीं करोगे, दैट्स इट, आप हमें रुपीस में पेमेंट करोगे। और कितने रुपए, 25,000 रुपए पर यूनिट, बस हमें नहीं चाहिए, हमें 25। सोच के बताना आप, क्या ट्रांजेक्शन एक्सपोजर खत्म हो गया? नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि सर हो तो गया ना बेटे, इधर से तो टेंशन खत्म, ट्रांजेक्शन एक्सपोजर खत्म हो चुका है, पर इधर तो है ट्रांजेक्शन एक्सपोजर। हाँ सर इधर तो है ही है, इधर से तो इनवॉइसिंग रुपया में हो रहा, तो ट्रांजेक्शन एक्सपोजर खत्म। सोचो, ये तो हो गया। क्या इकोनॉमिक एक्सपोजर है? हाँ हो सकता है, भले ही आप बिलिंग रुपया में करो पर बिलिंग की वजह से कहीं इसको दिक्कत होगी तो ये हो सकता है हमारा गुड्स ज़्यादा खरीदे या कम खरीदे, दिस इज इकोनॉमिक एक्सपोजर या ऑपरेटिंग एक्सपोजर, वो मुझको आपको समझाना, ठीक है। अभी तक मैंने ये लिखा, सिर्फ अभी पूरी बात क्या लिखी है कि जो आपके पास आने वाला है आपने सामने वाली पार्टी से बोल दिया कि जो बिलिंग होगी वो एक यूनिट पे हमको 25,000 रुपए दोगे, चाहे आज दो चाहे 6 महीने बाद, तो कोई इश्यू नहीं, ठीक है। लिखा तो करंट, अच्छा और भी कुछ बेस, करंट एक्शन रेट चेंजेस टू, सर करंट का मतलब 6 महीने बाद का, ये करंट एक्शन रेट पिट्टे वो क्या कर रहा है, जो करंट एक्शन रेट है ना, बोले ये नहीं रहेगा करंट एक्शन रेट 6 मंथ के विषय में कोई इन्फॉर्मेशन, 6 महीने बाद का तो यही रहेगा, बोले करंट एक्शन आप इसकी जगह कुछ और ले लेना, और वो रेट उसने लिख कर दिया है। तो अब क्या मुझे ये चेंज करना पड़ेगा? हाँ, क्योंकि क्वेश्चन चेंज हो रहा है, बोले करंट एक्शन ये नहीं रहेगा, करंट का मतलब 6 महीने बाद का नहीं, ये वाला करंट आज का, बोले इसको रिप्लेस कर दीजिए, इसकी जगह ले लीजिए 51.75 और 51.80 और 27.10 और 27.15, बोले ये ले लीजिए। हमने कहा ठीक है, और 6 मंथ वाला क्या उसमें भी चेंज है? बोले उसमें कुछ दिया नहीं है, तो हमको 6 महीने बाद वाला यही मानना पड़ेगा, करंट एक्शन रेट में चेंज हो गया। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दे रखा 1.5, प्राइस इलास्टिसिटी अभी समझाया मैंने, और लिखा पेमेंट एंड रिसिप्ट जो भी होना वो 6 महीने बाद होना। अब आपको बताना ट्रांजेक्शन एक्सपोजर और इकोनॉमिक एक्सपोजर। प्राइस इलास्टिसिटी कहाँ काम आएगी? प्राइस इलास्टिसिटी काम आएगी इकोनॉमिक एक्सपोजर निकालने में या फिर ऑपरेटिंग एक्सपोजर निकालने में, क्योंकि वहां देखना पड़ेगा यूनिट बढ़ा। अगर मैं वो प्राइस इलास्टिसिटी को इग्नोर कर दूं तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा? ट्रांजेक्शन एक्सपोजर। अब ट्रांजेक्शन एक्सपोजर निकालता हूं तो 2400 यूनिट से लेना पड़ेगा। अब बताओ ट्रांजेक्शन एक्सपोजर निकालने के 2 तरीके हुए फिर से, पहला सिंपल वाला, दूसरा प्रैक्टिस मैनुअल वाला। सर तो क्या करना चाहते हो? दोनों ही करवा देता हूं ना यार, एक ही क्वेश्चन कर रहा है, ढंग से कर लेते दोनों ही तरीके से।
अब सोचो इधर कोई ट्रांजेक्शन एक्सपोजर है क्या? ट्रांजेक्शन की बात करो, ऑपरेटिंग नहीं, नहीं सर, इधर से तो वैसे भी 25,000 आना था, ऐसे भी 25,000 आना। प्रॉब्लम किस में है? ये सिंगापुर वाले को देना है। अगर सिंगापुर वाले को देना है तो आज अगर मैं सिंगापुर डॉलर खरीदता तो बताओ कितने का मिलता? आज ये आज का रेट है ना सिंगापुर डॉलर 27.15। और अगर मैं 6 महीने बाद खरीदूंगा तो 20। ओहो, यही तो टेंशन है, रेट बढ़ गया, दिस इज ट्रांजेक्शन एक्सपोजर। तो बस वही काम करना है। तो पॉइंट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ ट्रांजेक्शन एक्सपोजर एंड ऑपरेटिंग एक्सपोजर। सबसे पहले बात किसकी करेंगे हम? ट्रांजेक्शन की। तो पहले जो बात कर लेते वो करते हैं ट्रांजेक्शन एक्सपोजर। अब इसमें भी ट्रांजेक्शन एक्सपोजर एक अल्टरनेटिव, ये सिंपल वाला मैं कह रहा हूँ ना, इतना लंबा क्वेश्चन नहीं जाएगा, आपको दोनों तरीके से समझा देता हूँ, टेंशन खत्म हो जाए। दिख रहा है लॉस, लॉस ऑन सिंगापुर डॉलर पेबल, आज खरीदते तो कितने का मिलता? 27.15, और 6 महीने बाद 27.75 इंटू कितना? 19,20,000। कितना आ रहा है चेक कर लो, 27.15 माइनस 27.75 इंटू 19,20,000। तो बेटे ये आ गया रुपीस 11,52,000। बात खत्म हो चुकी है, दैट्स इट। 11,52,000 का ट्रांजेक्शन एक्सपोजर है, क्योंकि दूसरी जगह से जो आने वाला वो तो रुपया में आने वाला है, ट्रांजेक्शन एक्सपोजर। पर पीएम ने क्या कर रखा सर, वो भी समझाओ। पीएम वाला क्या कर रखा? अल्टरनेटिव 2 जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, पर क्या करूं मैं मजबूर हूं, मुझे वो भी समझाना पड़ेगा। अल्टरनेटिव 2 सर कैसे कर रखा है बेटे? एक तो उसने कहा करंट एक्सचेंज रेट, करंट एक्सचेंज रेट के हिसाब से प्रॉफिट निकाल लीजिए, और 6 महीने बाद वाले एक्सचेंज रेट से प्रॉफिट निकाल लीजिए, और प्रॉफिट में जो चेंज आएगा वो कौन सा एक्सपोजर? ट्रांजेक्शन। सर यूनिट में कोई चेंज होगा? नहीं नहीं, अभी प्राइस इलास्टिसिटी का मैं बिल्कुल यूज नहीं कर रहा हूं। क्यों नहीं कर रहा हूं? क्योंकि मैं ट्रांजेक्शन एक्सपोजर समझा रहा हूं। ठीक है सर, तो पहले बात किसकी कर लेते? सेल्स, कितने रुपए? यहां तो रुपीज में इनवॉइसिंग हुई है, 25,000 रुपए। कितना यूनिट? 2400 यूनिट, इसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा। 25,000 इंटू 2400 यूनिट तो 600,00,000, और यहां भी कितना आएगा? 600,00,000, क्योंकि रुपया में बिलिंग है। ठीक है, माइनस मटेरियल कॉस्ट इंपोर्ट वाला। अगर आज की बात करो तो कितना सिंगापुर डॉलर? 19,20,000, आज कितने के हिसाब से? 27.15, और यहां सिंगापुर डॉलर 19,20,000 कितने के हिसाब से खरीदना पड़ेगा 6 महीने बाद? 27.75। तो 19,20,000 इंटू 27.15, तो यहाँ खर्च कितना होगा? 521,28,000, और यहाँ 19,20,000 इंटू 27.75 रुपीज़ 53,00,000
नहीं, 532,80,000, ठीक है सर। माइनस अदर वेरिएबल कॉस्ट, उसमें कोई उसमें थोड़ी नहीं चेंज होगा, तो अदर वेरिएबल कॉस्ट कितना, 1500, 1500 × 2400, ये तो 36 लाख ही रहेगा, 36 लाख ही रहेगा। माइनस फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट कितना, 1024 लाख, यहाँ कितना रहेगा, 24 लाख ही रहेगा, और यहाँ भी कितना रहेगा, 24 लाख ही रहेगा। तो चेक करो कितना आ रहा है, 600 लाख माइनस 521 लाख, 28,000 माइनस 36 लाख माइनस 24 लाख, तो यहाँ प्रॉफिट करंट एक्सचेंज रेट के हिसाब से 18,20,000, और 6 लाख माइनस 532 लाख, 80,000 माइनस 36 लाख, सॉरी 600 लाख, 532 लाख, 80,000 माइनस 36 लाख माइनस 24 लाख, तो यहाँ आ गए ₹7,20,000। तो बेटे प्रॉफिट आपका बोलो घट गया, हाँ सर, पहले 18,72,000 का प्रॉफिट था, अब 7,20,000 का हो गया, तो बोलो क्या आपको लॉस हो गया, यस। किस वजह से, ट्रांजेक्शन एक्सपोजर की वजह से, तो कितना आ रहा है, 18,72,000 माइनस 7,20,000, आंसर आ गया 11,52,000। अब बता दो आप खुद सोच के कि कौन सा तरीका ज्यादा अच्छा, सर कॉमन सेंस, ये तो बेकार का कैलकुलेशन। एक बात आप भी जानते हो, इसमें चेंज नहीं है, इसमें चेंज नहीं है, इसमें चेंज नहीं है, इसी में तो चेंज है, और वही तो मैंने लिखा है, ठीक है। तो बताओ लॉस ड्यू टू ट्रांजेक्शन एक्सपोजर कितना आया, 11,52,000, पहले में तो कोई दिक्कत नहीं। सर आपकी एडवाइस, मेरी एडवाइस ये है, प्रैक्टिस मैनुअल में ऐसा कर रखा, ठीक है सर। अब सुनो, अब तो हद हो गई, अब क्या निकालना है आपको, मैं इसी को बेस लेके चलूंगा, ठीक है, ट्रांजेक्शन एक्सपोजर। अब क्या निकालना है सर, अब निकालना है हमको ऑपरेटिंग एक्सपोजर, बस ये लास्ट बचा हुआ है, और उसके बाद क्वेश्चन खत्म हो जाए। अच्छा, ये कैसे निकला, दूसरे अल्टरनेटिव से, कि करंट एक्सचेंज रेट पर, करंट एक्सचेंज रेट पर प्रॉफिट आ रहा था 18 लाख, कितना, 72,000, इतना ही आया था शायद, और 6 मंथ वाले एक्सचेंज रेट पर प्रॉफिट आ रहा था 7,20,000, ऐसे ही आया था, एक बार देख लेता हूँ, 18,72,000 माइनस 7,20,000, तो ये आ गए 11,50,000, ठीक, ऐसा था, ये प्रैक्टिस मैनुअल वाला आंसर, इन दोनों का डिफरेंस निकाला था हमने, सीधा सीधा कर लिया। अब बात किसकी करते, ऑपरेटिंग एक्सपोजर, तैयार हो, ये समझना जरूरी है, ऑपरेटिंग एक्सपोजर का मतलब इनडायरेक्ट, सोच के बताना दोनों में से किस जगह ऑपरेटिंग एक्सपोजर होगा, इकोनॉमिक एक्सपोजर, यहां नहीं होगा, यहां होगा, भले ही आप इनवॉइसिंग किस में कर रहे हो, रुपया में कर रहे हो, तो अब मुझे देखना पड़ेगा कि इस भाई साहब को, जर्मनी वाले को कितने का लॉस हो रहा है, ठीक है, या प्रॉफिट हो रहा है, देखना पड़ेगा भाई, अगर मैं उसको इनवॉइसिंग 25,000 रुपए के हिसाब से कर दूं, तो ध्यान से समझना, इनवॉइसिंग इन रुपीस टू किसको, जर्मनी कस्टमर, नो ट्रांजेक्शन एक्सपोजर, ट्रांजेक्शन एक्सपोजर तो उधर से है ही नहीं, बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपोजर या इकोनॉमिक एक्सपोजर,
तो अब जर्मनी कस्टमर के विषय में बात करते हैं। इफ जर्मनी कस्टमर पे टुडे एट करंट एक्सचेंज रेट, अगर वो करंट एक्सचेंज रेट के हिसाब से रुपया खरीदता, एक यूनिट की बात करूं, तो उसको 25,000 रुपया देना पड़ता, ठीक है। तो क्या वो यहाँ उसकी बैंक से 25,000 रुपया खरीदता? बिल्कुल। और बैंक क्या करती? बैंक रुपया बेचती। इसको तो भाई इसकी बात करो ना यार, इसको तो बैंक रुपया बेचती। तो बेचने का रेट कौन सा वाला होता? सर बेचने का रेट होता आज के हिसाब से, किसकी बात कर रहा हूं, जर्मनी की। सर बैंक रुपया बेचती, बेचने का रेट ये है बैंक का। लेकिन बेटे रेट किसका दिया है? रेट दिया सर यूरो का। तो सुनो ध्यान से, बैंक रुपया बेचती पर रेट, बेस करेंसी कौन सी? यूरो। ये अच्छे से समझते हो। इट मींस ये क्या करता, ये रुपी ये यूरो देता देता और बदले में रुपया लेता। तो बैंक इससे क्या करती? यूरो खरीदती। और यूरो खरीदती तो कौन सा वाला रेट? ये वाला रेट। मतलब उसको 25,000 रुपया खरीदने के लिए इतना यूरो खर्च करना पड़ता करंट एक्सचेंज रेट पे। तो एक यूनिट कितने का पड़ता उसको? 25,000 डिवाइडेड बाय 51.75 का पड़ता। 25,000 डिवाइडेड बाय 51.75, तो उसको पड़ता यूरो आज के हिसाब से 483.09, ठीक है। पर 6 मंथ एक्सचेंज रेट के हिसाब से कितने का पड़ता? पर उसको तो 6 महीने बाद पेमेंट करना है, तो ₹25,000 ही देना पड़ता उसको। पर 6 महीने बाद उसको कितने के हिसाब से खरीदना पड़ता? सर 52 के हिसाब से। यस, तो डिवाइडेड बाय 52, तो उसको कितने यूरो खर्च करने पड़ते? 25,000 डिवाइडेड बाय 52, तो उसको यूरो खर्च करना पड़ता 480.77। अब सुनो जर्मनी कस्टमर के विषय में सुनना, वाह उसकी खुशी का ठिकाना नहीं। अगर आज देखो तो आज एक यूनिट खरीदने में उसको 483.09 का पड़ा यूरो, और 6 माह बाद वाले एक्सचेंज रेट पे 480 का, मतलब यार उसको तो सस्ता पड़ा। हालांकि मुझे तो 25,000 रुपए ही मिल रहा है, पर उसके एंगल से सोचो उसको तो सस्ता में पड़ रहा आज के हिसाब से ये, और 6 महीने बाद ये। तो बताओ रेट के चेंज होने से क्या इसको फायदा हो रहा है? यस, अब इसको फायदा हो रहा है तो पक्का ये तो खुशी का ठिकाना नहीं, वो तो और डिमांड करेगा कि और आने दो भाई, क्योंकि मुझे सस्ता पड़ रहा है इंडिया से। बता सकते हो कितना परसेंटेज सस्ता पड़ा? तो परसेंटेज डिक्रीज इन प्राइस 483.09 माइनस 480.77 डिवाइडेड बाय, बेस क्या लोगे यार? सर बेस पहले ही वाला लेना पड़ेगा ना। यस, 483.09 इंटू 100। बताइए कितना परसेंटेज सस्ता पड़ रहा है उसको? 483.09 माइनस 480.77 डिवाइडेड बाय 483.09 इंटू 100, 0.48%। इसको 0.48% सस्ता पड़ा, और प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दिया है, प्राइस इलास्टिसिटी कितना है? 1.5। अगर प्राइस कम होगा तो बोलो डिमांड क्या होगा? बढ़ेगा, तो इंक्रीज इन डिमांड। पॉइंट फोर एट इंटू 1.5, चेक करो कितना परसेंट। 0.48 इंटू 1.5, तो डिमांड बढ़ जाएगा कितने परसेंट से?
7-2% से डिमांड बढ़ेगा। डिमांड क्यों बढ़ेगी यूनिट्स की? क्योंकि प्राइस कम होगा, वही तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोलता। ठीक है सर, यहाँ तक तो ठीक है, ये आपने निकाल लिया कि डिमांड बढ़ जाएगी। आगे क्या करें? अब मुझे जगह चाहिए यहाँ बोर्ड में, और मैं कुछ भी मिटा नहीं सकता। नोट कर लीजिए एक बार कि डिमांड बढ़ गई कितने से, 0.72% से, और अब मैं यहाँ से मिटा रहा हूँ। इट मीन्स इनक्रीज इन यूनिट्स, यूनिट्स बढ़ जाएगी। पहले यूनिट्स कितना था? 2400 यूनिट्स इनटू कितना परसेंट? 0.72%। यूनिट्स कितने से बढ़ेगी? 2400 इनटू 0.72%, अप्रोक्स ले लेता हूँ, 17 यूनिट्स और बढ़ जाएगी। इट मीन्स अब टोटल यूनिट्स कितना होगा? 2417 यूनिट्स। ठीक है जी, ठीक है सर। सर यहाँ तक भी समझ में आया। अब इसके बाद थोड़ा सा ध्यान दोगे, सुनोगे बेटे? अब काम की चीज है। यहां से यहां तक हो चुका है सबका, अब आराम से सोचना। ये कब निकाला था मैंने? ये निकाला था ट्रांजैक्शन एक्सपोजर। क्या इसमें मैंने यूनिट्स बढ़ा कर लिया था? नहीं। कितना यूनिट्स बढ़ गया? 17 यूनिट्स। अगर जो 17 यूनिट्स बढ़ा है वो किसकी वजह से बढ़ा है? वो यूनिट्स ही तो ऑपरेटिंग एक्सपोजर है। दिस इज ऑपरेटिंग एक्सपोजर या इकोनॉमिक। और उस 17 यूनिट्स पे कितने का फायदा ये निकालो, बस खत्म बात। और उसका नाम क्या कहलाएगा? ऑपरेटिंग एक्सपोजर। इसको भी दो तरीके से कर सकते हैं, दोनों ही तरीके मैं समझा देता हूँ। पीएम के हिसाब से भी वो 17 यूनिट्स से जो फायदा होगा ना, वो कहलाएगा आपका इकोनॉमिक एक्सपोजर। ठीक है सर? सर समझाओ, समझा रहा हूँ। इकोनॉमिक एक्सपोजर एक सिंपल वाला तरीका। इकोनॉमिक एक्सपोजर कितना? तो बताओ बेटे सेल्स कितना यूनिट करोगे? सर एक्स्ट्रा 17 यूनिट्स बेचेंगे, बिल्कुल। और कितने के हिसाब से? 25,000 रुपए के हिसाब से। बात खत्म। यस, 17 × 25,000 तो सर हमको मिलेगा 4,25,000। जी सर, ओके, ठीक है सर। सर हम खरीदेंगे, यस, मटेरियल, मटेरियल, मटेरियल सर कितना देना है हमको बता सकते हो? सिंगापुर वाले को तो देना ही पड़ेगा भाई। हाँ सर, तो सिंगापुर वाले को, सिंगापुर वाले को, सिंगापुर वाले को कितने का था? सिंगापुर डॉलर 800, सिंगापुर डॉलर 800, ठीक है, इनटू कितने यूनिट? 17। पर एक डॉलर कितने का सर? ये वाला लेना यहां भी तो है बेटे, ट्रांजेक्शन एक्सपोजर ऑलरेडी कवर है, तो मैं सीधा 6 महीने बाद वाला रेट लूंगा, 27.75 इंटू कितना? 17। तो 800 इंटू 27.75 इंटू 17 तो कितना आ गया? ₹3,77,400 ये खर्चा आ गया। माइनस क्या लेना है? वेरिएबल कॉस्ट, अदर वेरिएबल कॉस्ट 1,000, तो 1,500 है भाई, 1,500 तो कितना आ गया? ₹25,500। सर फिक्स कॉस्ट, बेटे फिक्स कॉस्ट लेने वाली बेवकूफ़ी नहीं होगी क्या? एक्स्ट्रा यूनिट बनाने से फिक्स कॉस्ट में चेंज होगा? नहीं, प्रैक्टिस मैनुअल ने फिक्स कॉस्ट कंसीडर कर लिया और फिर एक नोट भी लिख दिया, अल्टरनेटिव आप फिक्स कॉस्ट इग्नोर भी कर सकते हो। भाई इग्नोर ही करेंगे, फिक्स कॉस्ट थोड़ी लगने वाला है। आपने कॉस्टिंग में मार्जिनल कॉस्टिंग पढ़ रखा अच्छे से। तो बताओ प्रॉफिट कितने का हुआ है? 4,25,000 माइनस 377,400 माइनस 25,500 तो कितना आ गया? 22,100
122 100, ये आपका फायदा है तो ये आपका गेन है। गेन किस वजह से? ड्यू टू इकोनॉमिक एक्सपोजर, या इसको क्या बोल सकते हो, ऑपरेटिंग एक्सपोजर। बस बात खत्म। तो ट्रांजेक्शन एक्सपोजर कितना है? 11,52,000। और ये लॉस है, लॉस है। और ऑपरेटिंग एक्सपोजर से गेन कितना है? 22,100। दैट्स इट, और कुछ करना ही नहीं था। 800, एक बार कैलकुलेटर से चेक कर लेता हूँ, इंटू 27.75 इंटू 17, ठीक है, 425,000 माइनस 377,400 माइनस 22,100। बस बात खत्म। अब बच्चों के मन में एक सवाल जरूर आता है, सर ये 27.75 पे कवर कहाँ हुआ? तो इसको मैं किसी और तरीके भी समझाता हूँ। अभी एक बात बताओ कि कितना आया आपका गेन ड्यू टू ऑपरेटिंग एक्सपोजर। गेन ड्यू टू ऑपरेटिंग एक्सपोजर कितना आ गया बेटे? 22,100। ठीक है यहाँ तक? ठीक है सर, अब सुनोगे। अब और कैसे किया गया है क्वेश्चन को मैं आपको ठीक से बता रहा हूँ, बिल्कुल अब ध्यान से समझना, बिल्कुल ध्यान से। ये बताओ ये जो प्रॉफिट है, ये प्रैक्टिस मैनुअल के हिसाब से, सर ये करंट एक्सचेंज रेट के हिसाब से, ठीक है, ये जो प्रॉफिट है ये सर रिवाइज्ड इस हिसाब से है। हालांकि ये भी कितने यूनिट्स पे है? 2400। और ये भी कितने यूनिट पे है? 2400। दोनों ही 2400 यूनिट पे है। तो एक काम करता हूँ, 2400 यूनिट तो ये वाला रह नहीं देता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है, आज के हिसाब से 2400 यूनिट। और मैं निकालता हूँ 6 माह बाद वाले, मतलब ये निकालने वाला हूँ मैं फिर से, लेकिन अब 2400 यूनिट नहीं लेता हूँ, ठीक से सुनना बेटे, 2400 नहीं, 2417 ले लेता हूँ। मतलब सर इसमें न्यू यूनिट्स मेरी डाल दोगे? हाँ। और फिर देखूंगा कि कितना लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है, और फिर जो अंतर आएगा ना इसका और इसका बीच का, वो क्या आएगा? सुनना ध्यान से, ध्यान से समझना मेरा। ये 2400 ही रहने देता हूँ करेंट वाला, और इसको अब मैं 2400 नहीं लेता, 2417 यूनिट ले लेता हूँ, मतलब जो यूनिट बढ़ रही ना वो भी ले लेता हूँ। अब जो डिफरेंस आएगा ना वो आएगा, जो भी इन दोनों का डिफरेंस आएगा वो आएगा प्रॉफिट और लॉस ड्यू टू किस, कौन से एक्सपोजर से? ट्रांजेक्शन एंड इकोनॉमिक दोनों मिलाकर, समझा रहा हूँ। ये ऑलरेडी निकला हुआ है, अब मैं वो निकाल रहा हूँ, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट किसको बेस लेकर ले रहा हूँ? 6 मंथ एक्सचेंज रेट, बिल्कुल ध्यान से समझना इस बात को। चलो जी आखिरी काम, बताओ सेल्स कितना? सर 2417 यूनिट्स। सर इसका मतलब इसमें ट्रांजेक्शन और इकोनॉमिक दोनों ले रहे हो? यस। इनटू कितने के हिसाब से? 25,000। तो 2417 इंटू 25,000, तो बोलो सेल्स कितने का होगा? 604,25,000 माइनस मटेरियल कितना? 2417 इंटू सिंगापुर डॉलर 800 इंटू कितने के हिसाब से खरीदोगे? 27.75। तो 2417 इंटू 800 इंटू 27.75, तो ये खर्च हो गया 536,00,000 57,400 माइनस अदर वेरिएबल कॉस्ट 2417 इंटू 1500 तो ये आ गया रुपीस 36,25,500 माइनस फिक्स कॉस्ट।
अब अगर ये बेवकूफी आप कर रहे हो कि 2417 पे ले रहे हो तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, ये तो फिक्स ही होती है, तो 24 लाख ही आएगा। 2400 × 1000 तो ये आएगा कितना, 24 लाख। अब बताओ बेटे, अब इसमें 17 यूनिट भी जोड़ दे। 042 5000 −536,57,400 −36,00,000 25,500 −24 लाख। तो अब प्रॉफिट आ गया 742,100। ये प्रॉफिट ठीक है। अब बस सुनना है मेरी बात को। मेरा क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन ये है भाई कि पहले प्रॉफिट कितना हो रहा था। सर पहले प्रॉफिट हो रहा था 18,72,000। एग्री? यस। अब जो प्रॉफिट है वो गिर गया और अब प्रॉफिट कितना हो रहा है, 742,100। ये प्रॉफिट कम होने के दो रीजन आपको पता है क्या? इसमें मैंने एक्स्ट्रा यूनिट भी डाल दिया, यस, इसका मतलब इकोनॉमिक एक्सपोजर। क्या रेट में भी चेंज हुआ? हाँ, इसका मतलब ट्रांजेक्शन एक्सपोजर। तो इस प्रॉफिट के कम होने के दो रीजन, ट्रांजेक्शन एंड इकोनॉमिक एक्सपोजर। 18,72,000 −742,100 तो टोटल 11,29,900। दिस इज लॉस ड्यू टू किस वजह से? ट्रांजेक्शन एंड इकोनॉमिक एक्सपोजर। ये जो लॉस हो रहा है वो तो दो वजह से हो रहा है। किस किस वजह से? ट्रांजेक्शन की वजह से भी और इकोनॉमिक की वजह से भी। ये लॉस है, प्रॉफिट कम हो गया ना, मतलब लॉस। उसमें से ट्रांजेक्शन की वजह का आपको मालूम है? अगर मैं कहता हूं लॉस ट्रांजेक्शन में, अगर मैं एक बता दूं, सुना ध्यान से, अगर मैं कहता हूं यार ट्रांजेक्शन की वजह से 11 लाख का लॉस, समझना ये दोनों की वजह से, अगर मैं बोलूं ट्रांजेक्शन एक्सपोजर की वजह से 11 लाख का लॉस है, तो बताओ इकोनॉमिक की वजह से कितना? सर 29,900। इसको अगर मैं दो पार्ट कर देता हूं, दो पार्ट, तो एक मैं बता दूं तो दूसरा तो आप बता ही सकते हो। तो मैं लिख रहा हूं लॉस ड्यू टू ट्रांजेक्शन एक्सपोजर, वो निकला हुआ है आपका 11,52,000। ओहो, तो सर ट्रांजेक्शन की वजह से लॉस इतना, जबकि टोटल लॉस तो कम है। मतलब सर एक चीज ने बचाया हमको, यस, किसने बचाया? इकोनॉमिक ने बचा लिया। गेन ड्यू टू ऑपरेटिंग एक्सपोजर, चलो देख लेते हैं। वैसे लॉस होना था 11,52,000 पर 11,29,900, तो बताओ बेटे गेन ड्यू टू इकोनॉमिक एक्सपोजर कितना आ गया? 22,100। क्यों गेन आया? क्योंकि टोटल लॉस इतना, उसमें से ये ट्रांजेक्शन वाला ज्यादा, इसमें कहीं ना कहीं फायदा हुआ है। और फायदा कहाँ हो गया? ऑपरेटिंग एक्सपोजर में फायदा हो गया। ये एक प्रैक्टिस मैंने कर रखा, पर थोड़ा सा अगर ध्यान से देखो तो यहीं से समझ में आना चाहिए आपको। भाई एक बात बताऊं, इस सब को छोड़ो, ये बताओ 2400 यूनिट के हिसाब से आपने काम किया है तो 6 महीने में प्रॉफिट कितना आया? 720। एग्री? और जब आपने 2417 लेकर किया है 6 मंथ वाले के, तो कितना आ गया? 742। इसमें 2400 यूनिट है, इसमें 2417 यूनिट है, तो दिख रहा है आपको प्रॉफिट। क्यों प्रॉफिट है? सर यूनिट के बढ़ने से, और यूनिट के बढ़ने से जो प्रॉफिट है वही तो आपका ऑपरेटिंग एक्सपोजर है। बताओ कितने का प्रॉफिट है? 22,100 का। मैंने ना जाने कितनी तरह से प्रूव करवा दिया आपको। इतना इस लेक्चर में इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, लगाया इसलिए क्योंकि एक ही क्वेश्चन है और कन्फ्यूजन ज्यादा क्रिएट होता है। करूंगा कैसे? जैसे बेसिक, इट मीन्स मैं क्या करता अगर मुझे निकालना होता तो? मैं क्या करता? मैं कुछ भी नहीं करता इस मेथड से, ये लंबे वाले प्रोसेस से नहीं करता, सीधा सीधा आंसर निकाल लेता 17 यूनिट के बढ़ने से कितने का फायदा। दिस इज ऑपरेटिंग एक्सपोजर। क्वेश्चन बड़ा है,
पर अच्छे से करना प्लीज़, ठीक है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग।